नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे जदयू को लेकर। सियासत में बदलाव की संभावना हर समय बनी रहती है, ऐसे में बिहार जदयू में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको बता दें कि जदयू में जब से यह नियम बना है कि एक व्यक्ति एक पद, उनके बाद बदलाव के संकेत आने साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद से इसकी सुगबुहार तेज हो गई और मीडिया में चल रही खबरों की माने तो मुंगेर के सांसद ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा में कोई एक अध्यक्ष बन सकता है, जिसको लेकर मीडिया में खूब चर्चा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर कई तरह की थ्योरी काम कर रही है, कई तरह की बातें मीडिया में लिखी भी जा रही है, सोशल मीडिया में भी कई तरह की बातें सामने आई है। ऐसे में दैनिक भास्कर में जो खबर चल रही है उसके अनुसार अगर हम माने तो मुंगेर के सांसद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को प्रदेश की जिम्मेवारी मिल सकती है। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक सामाजिक जातिगरण समीकरण को बैलेंस करने के साथ साथ पार्टी के सर्वोच्च पद पर अपने विश्वस्त को बैठाना चाहते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इस फार्मूले के हिसाब से ललन सिंह इस रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल विस्तार में आरसीपी सिंह के मंत्री बन जाने के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संशय की स्थिति थी। इस स्थिति को निकालने के लिए और सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने के लिए ललन सिंह विकल्प के तौर पर उभरे। आपको बता दें कि उनके पास प्रदेश अध्यक्ष होने का भी अनुभव है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार के वो विश्वास पात्रों में से एक हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह बहुत ही जल्द पटना आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। मीडिया में चल खबरों की माने तो एक दूसरी खबर जो है वो सामने आई है, उसमें आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद से लगातार यह चर्चा की जा रही है कि किसी नए चेहरे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी लिया जा रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बने रह पाना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार की पार्टी में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेतृत्व एक ही जाति के नेताओं को नहीं देना चाहते। ऐसी स्थिति में अगर कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उमेश कुशवाहा की भूमिका पे भी सवाल खड़ा होगा, वहां भी बदलाव की गुंजाइश दिख रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक में यह तय हो गया है कि आगामी 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो सकती है। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, पार्टी में जिस तरह के बदलाव और पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उससे यह साफ होता है कि आने वाले दिनों में पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये थी जदयू को लेकर खबरें, जिसमें लंबे समय से, यानी कि हम कहें जब आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने उसके बाद से जदयू के अंदर यह खबर और पार्टी के कई नेताओं के बयान जो है वो मीडिया में सामने आए, जिसमें ये कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। ये बात उन्होंने भले ही मीडिया के सामने न कही हो, लेकिन वो अंदर खाने से ये बात सामने आ रही है, जिसमें जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों में बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।